होरीलाल पान शॉप दिल्ली की सबसे मशहूर पान शॉप्स में से एक है। कितना मशहूर? यहाँ पे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस सभी आते हैं। तो एक ठेले से करोड़ों का बिजनेस कैसे बनता है, आइए समझते हैं। मेरा नाम चेतन चौरसे है, मेरे फादर उनके नाम से शॉप है, होरीलाल जी उनका नाम है। मुझे 20 साल हो गए ये बिजनेस देखते हुए अपना, बाकी स्टार्टिंग हमारे फादर साहब की है। मैं सिक्स जनरेशन हूँ। सिक्स जनरेशन? हाँ। हमारे इससे पहले पान की खेती थी। अच्छा। हाँ, मतलब हमें याद नहीं है कि हम कब से पान की खेती करते चले आ रहे हैं। तो मेरे दादाजी पान की खेती किया करते थे और हमारे फादर साहब 13 साल की उम्र दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आ गए थे। हाँ, उनको पान लगाने का बेचने का बहुत शौक था कि मुझे कुछ करना है, मुझे खेती नहीं करनी। अच्छा। मुझे मतलब पान की शॉप खोलनी है, दिल्ली में ही खोलनी है, मतलब और ये भी नहीं कहीं और खोलनी है, अमृतसर लुधियाना कहीं नहीं, वो दिल्ली ही पसंद था बचपन से। अच्छा। जॉब भी करी 3-4 जगह पे उन्होंने, फिर उनको लगा नहीं यार जॉब से मामला चल नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ अपना करना है। तो फिर वो कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया। अच्छा। पान वान तो आता ही था सब कुछ। हाँ। और 78 से हमारा बिजनेस है। अच्छा। 78 से 82 तक हमारा ये पटरी पे था, जैसे कॉबलर शॉप होती है मोचे बैठते हैं उस तरह से था हमारा। फिर 82 से हमने हमारा खोखा हुआ अशोक विहार में फेज थर्ड में। फिर 98 से हम लोग शॉप पे आ गए जो अब चल रही है अशोक विहार। तो आप कब से जुड़े हुए हैं? मुझे हो गए लगभग 13 साल। 13 साल से आप ये कर रहे हैं और इस दुकान में आप 6 साल से कर रहे हैं, तो ये पूरी दुकान आप ही मैनेज करते हैं अभी? कितने ब्रांचेस हैं होरीलाल पान? अभी 10 ब्रांच है मैम। या आपने, आपके फादर जी ने कभी सोचा था कि इतना रैपिडली इतना जल्दी स्केल हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था हमने। हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी, मतलब इतने जल्दी आगे चले आएंगे, लेकिन ये जरूर पता था कि लोग हमारा पान पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ना दूर से लोग चल के आते हैं, जैसे रात को हम अपनी आउटलेट को वाइंड अप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया मैं नोएडा से आया हूँ भैया प्लीज़ यार दो पान तो करवा दो यार भैया, उससे पता लगता है कि आदमी मतलब आपको पसंद कर रहे हैं। फिर हम लोग अब जैसे हम अशोक विहार थे, पीतमपुर आए, पीतमपुर से हम रोहनी गए, तो रोहनी में हमें काफ़ी लोगों ने बोला ये मार्केट चलती नहीं है, आप यहाँ काम कर रहे हो यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा। हमें फर्स्ट डे से अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि हमारे पान खाने के कस्टमर थे, लोगों ने नाम सुना हुआ था। एक बार तो देखो कोई भी खाने की कोई भी चीज़ खुलती है खाने पीने की, तो आदमी एक बार जरूर, कस्टमर जो होता है आपका जो अच्छा खाने पीने का शौकीन है जो, वो आपके पास जरूर आएगा। फिर ये आपको देखना है कि आप उसे खुश करके भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपके हाथ में है। तो जब आप नई आउटलेट खोलते हो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ खोलना है हमें? देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आसपास का एरिया चेक करते हैं कि वहाँ पर पान खाने वाले कितने कस्टमर्स हैं, वो हमें वहाँ की पान की दुकानों से पता लग जाता है कि यहाँ पर पान खाने वाले कस्टमर्स हैं। फिर उसके बाद हम पार्किंग देखते हैं, हमें लोकेशन ही देखते हैं हम लोग पार्किंग देखते हैं कि रात को जब भी कोई, क्योंकि हमारे पास लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं और सबको गाड़ियाँ सामने खड़ी करनी है, तो इसलिए हम लोग पार्किंग का बड़ा वो देख के चलते हैं कि हमें पहले पार्किंग चाहिए। आपने कभी देखा होगा पान की दुकान पर लेडीज़ लेके नहीं जाते, आप फैमिलीज़ को लेके नहीं जाते, आपको गाड़ी में बैठा देते हो, तुझे क्या खाना है मैं तेरे ले आता हूँ। हमारा फोकस रहा फैमिलीज़ को लेके, बच्चे भी अंदर आए अपना आराम तसल्ली से खड़े होकर पान खाएं, लेडीज़ कस्टमर हमारे बहुत हैं। बच्चे भी आते हैं पान खाने? हाँ बच्चे आते हैं। आप उनको क्या बोलोगे? बच्चों के लिए चोको टोपी हमने छोटे छोटे बना रखे हैं, चोको टोपी निकालो, चोको बोल होता है ये, इसमें पान का पत्ता नहीं होता, सारा मसाला होता है ये। अच्छा। बच्चों के हिसाब से बनाया हमने छोटे छोटे। सबसे महंगा पान कौन सा है? सबसे महंगा किमाम पान है आपका, गोल्डन वर्क में है, 500 रुपए का। अच्छा। पान स्टार्ट्स फ्रॉम 15 रुपीज, इट गोज टिल 500 जिसमें दे पुट गोल्ड फॉइल्स। तो आपके एक एवरेज पान का मेकिंग प्राइस कितना लग जाता है? देखो पान के पत्ते का आप मान के चलिए सीजन वाइज होता है ये। हाँ। आपका तो ये आपका 7-8 रुपये से स्टार्ट होता हुआ ये आपका 20 रुपये तक पड़ता है। मोटा मोटी ये है कि ये एवरेज जो ये मार्जिन रहता है ये 25-30% का मार्जिन रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग बनारस से लाते हैं और एसेंस हम सारी कन्नौज से पसंद करते हैं खरीदना। अच्छा। क्योंकि उससे ऊपर एसेंस पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। इसके अलावा हमारे पे फ्लेवर्स हैं हुक्के के, जो हम लोग बनाते नहीं है, हम लोग खाली मिक्सिंग करते हैं। पहले हमारे से हुक्के पार्लर्स वाले जो होते हमसे फ्लेवर खरीद के लेके जाया करते थे बकेट में। आप शादियों में भी तो केटरिंग करते हैं, वो भी बताइए। हमारा शादियों को ही मेन, आपके शादियों का तो पीक सीजन में शादी के कितने केटरिंग हाथ दिन के? रोज की 2-3 कैटरिंग होती है, 2-3 पीक सीजन में। पार्टी फंक्शन का हम 2007-08 से हम लोग अच्छे स्केल पर मतलब काम करना स्टार्ट किया। 2-4 अच्छी फैमिली से दिल्ली की, उनसे हमें बड़ा अच्छा बिजनेस मिला। मतलब बड़े फंक्शंस जिससे नाम होता है अपना कि हाँ हम लोग इतनी बड़ी गैदरिंग को कैटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा सारा है। दिन के कितने पान खाते हो आप? मैं 8-10 पान खा लेता हूँ। हाँ आज भी 30-40 पान खाते हैं। अरे वाह। मैं 4-5 पान खाते हैं। इसमें कुछ खराब है ही नहीं है,
आपका चूना कैल्शियम के लिए बढ़िया होता है, कत्था दिमाग ठंडा रखता है, पत्ता आपका खून पतला रखता है बढ़िया। वो क्या बना रहे हैं? वो सादा पान बना रहे हैं। सादा पान बना। और ये दो तरह का पत्ता भी है, हर पत्ते का टेस्ट अलग होता है। सबका टेस्ट अलग होता है जी। तो क्या फर्क होता है? जैसे मगही पत्ता होता है, सोफ्ट माइल पत्ता, मीठा पत्ता थोड़ा लंबा समय तक चलेगा। अच्छा, बनारसी पत्ता उससे कम समय चलेगा मीठे पत्ते से। ऐसे ये सबका टेस्ट अलग अलग है, अलग अलग वैरायटी है पूरे मेन्यू में। तो आपको सब ऐसे इनोवेशंस जो है ऐसे ही डेली लाइफ से मिले हैं? हम लोगों ने पहले खुद महीने महीने पान खा के अपने वर्कशॉप पे पहले खुद चेक किया है। अच्छा, कि खाने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है फ्लेवर पत्ते के साथ ऐड होने के बाद कुछ और सा फ्लेवर दे देता है। हाँ। हम ब्लूबेरी खिलाना चाहते हैं, वो कुछ और ही लग रहा है खाने वाले को। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ट्राई करके, पहले हम लोगों ने पान वैसे ना टेस्टिंग टेस्ट कराया, भाई आज ये नई चीज़ खा के देखो, ये देखो। जब उन्होंने बोला कि हाँ बढ़िया है, तो आपने देखो कि हमारा मन भी बहुत लेविश नहीं है। हाँ। तो लोग 150 पान ले देते हैं, 100 पान ले देते हैं, नहीं, नहीं। हमारे पास जो पान बिकता है और जो हम डेली खिला सकते हैं वही पान मिलेगा। तो ऐसा कोई पान है जो आपने सोचा बहुत अच्छा होगा पर टेस्टिंग के बाद इतना अच्छा नहीं निकला? ऑरेंज पान। ऑरेंज पान टेस्टिंग में नहीं मजा नहीं, लोग कहते थे पान खराब है, ये खट्टा खट्टा थे फ्लेवर दे रहा है। अच्छा भैया, आपने एक बार में सबसे ज्यादा पान कितने बनाए हैं? बेस्ट लाइफ टाइम बेस्ट आपका कितने साल? 300-400 पान। 300-400, कितना वक्त लगा था आपको? 2 घंटा मॉक्स। बस हम पान बना सकते हैं? बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने। आपके साथ कर सकते हैं चैलेंज? हम चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आप सिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल सिखा दूँ, चलो सीखते हैं। ये कौन सा वाला पत्ता है? ये मीठा पत्ता मैम। अच्छा, और इसके क्या? ये चूना हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद ये हमारा कत्था हो गया। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कितनी देर में कप हो गया? Don't disturb. अभी disturb नहीं करना। Wow, look at the speed. It's just 15 seconds. Wow. Anyone can learn it, but doing it on an everyday basis is very tough. Meanwhile, पान बन गया guys. Oh. We will only count till he folds, right? Yeah, only till he folds. Yep. 34 seconds. That's it. चलो शुरू करूं मैं? Yes, timer is on. Ready, set, go. चलो, ये पहले लगाया चूना, सामने लग गया शायद। भैया बोल रहे मेरा काम तो पहले ही आ गया। चलो कत्था लगाते हैं थोड़ा सा। कत्था किस चीज का बनता है भैया? कत्था का पेड़ होता है जी। पेड़ होता है? पत्ती से बनता है? किससे बनता है? फल से? छाल से बनता है। अच्छा, थोड़ा सा आपने कभी भी देखा होगा पान वाला बड़े प्यार से पान लगाता है, उसको पान खिलाने का मूड है, और जिसको भगाने का मूड है वो तो कुछ भी लेके डाल देगा। और ऐसे वो दिल्ली 6 में होता है वो। तो आज अगर कोई स्टार्ट करना चाहे ये बिजनेस, तो आपको क्या लगता है इतने सैचुरेटेड मार्केट में क्या वो इतना एक्सपेंड कर पाएगा कोई आज अगर स्टार्ट करता है ये बिजनेस? तो सर अब ये बिजनेस मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि अब पान खाने वाले पहले इतने लोग नहीं रह गए हैं, क्योंकि जब से पान मसाला आया, पान मसाला ने पान की सेल को ख़त्म कर दिया है। अब पान दिल्ली शहर में गिने चुने लोग पान बेच रहे हैं, मतलब जिनके पास पान लगता है, मतलब एक क्वांटिटी में आप कह सकते हो तो गिनती की दुकानें हैं दिल्ली शहर में। तो आप क्या कर रहे हो इसको टैकल करने के लिए? जो यंग जनरेशन आई है, जो भी जिनको हम कह सकते हैं जो पान के रहने नए बच्चे आए हैं, 20 साल की उम्र से 30 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उन लोगों का ध्यान पान की तरफ नहीं है। उन लोगों का ध्यान के फ्लेवर्स, हुक्का, सिगरेट्स, इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा है। कारण क्या है, पान में मेहनत बहुत है और हर आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। ये बड़ा माइनस पॉइंट है इस लाइन का। आगे वाली जनरेशन से उम्मीद नहीं है कि वो पान की लाइन में आएगी। अब फैंसी मॉडल पे हमें नहीं जाना, हमारी कोशिश ये है कि हर आउटलेट पे जाना है, कस्टमर से बातचीत हो, उससे हमें वहाँ से रिव्यू मिल जाता है कि हाँ पान अच्छा नहीं लगा या अच्छा मज़ा नहीं आया या कुछ भी है। कारण क्या है, क्योंकि हमें अपने रेट मिल रहे हैं, तो फिर कस्टमर खुश क्यों ना होकर जाए। सही बात है। आज के जनरेशन को बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ एक एडवाइस उनके लिए? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पहले उस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, मतलब कौन आया पहले, किसने स्टार्ट किया,
फिर इसमें कैसे कैसे चेंजेस आए टाइम के हिसाब से। सर हर बिजनेस को चेंजेस चाहिए चाहिए, जो बिजनेस में चेंज नहीं करेगा वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर मेरे दादाजी थे, फिर मेरे फादर साहब, फिर मैं आया, तो सब अभी नई नई सोच लेके आए उसके अंदर। पहले हर चीज़ के बारे में नॉलेज लें, पूरा तरीके से करें, सब चीज़ समझें उस चीज़ को, फिर आराम आराम से एक्सपेंड करें। आपने दिल्ली में कैसे कैसे आउटलेट देखे होंगे, कैसे किसी जगह पे कोई लोकेशन नहीं है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, लोग पैदल पैदल चल के वहाँ खाने जा रहे हैं, तो कुछ तो है सर क्वालिटी में, कुछ तो बात है सर क्वालिटी में। अगर आपका फोकस है आपका, तो आपको एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, लेकिन एक बूम आएगा, बूम आएगा, 100% बूम आएगा। अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन है तो वो लोग आपको जंगल में से ढूंढ लेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाउ डज अ बिजनेस ट्रूली फंक्शन? यू नो व्हाट, वी कैन नॉट लर्न हाउ बिजनेसेस आर रन बाय सिटिंग इनसाइड अ क्लासरूम एंड वाचिंग पीपीटीज द एंटायर टाइम। यू एक्चुअली हैव टू गो डाउन ऑन द ग्राउंड एंड विजिट द फैक्ट्रीज, द ऑफिसेस, द शॉप्स। ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस इज एक्चुअली ट्रूली रन एट द ग्राउंड लेवल। सो एट मास्टर्स यूनियन, ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली हैव टू गो डाउन टू द ग्राउंड and visit companies, small companies like a fruit seller or a thele wala or a paan wala, all the way to large companies like Adani and Reliance and Zomato, and actually meet the CEOs, the founders, the entrepreneurs, the managers there, and learn from them in person how their entire establishment actually works. I'd love to invite you all to come off campus with our students and understand truly the nuances of how a business truly, truly functions. Subscribe for more.